की आ चुकी हैं और हर किताब अपने आप एक शाहकार है। इसके अलावा उनकी डॉक्टरेट उनके जो काविश दबस्तान के हवाले से रही है उनको सुनने का इतफाक हुआ मैडम मशीन की बदौलत। तो वैसा को हम दावा देते हैं कि वो प्लीज तशरीफ लाएं और अपने ख्याल रखते हैं करें। जिसमें वो ये बात कहते हैं कि मादरी अयाम की तमाम आलाम मौजूद मगर वबाई कहत रुजा। इस वबा में आदमी का ये हाल हो जाता है कि मर्दम शुमारी हो तो बेशुमार, मर्दम शनासी हो तो नाया। हाजिर मोहतरम, हमें ऐसी तकारीर कार्यक्रम गुलशन साहिबा ने इस बात की तरफ इशारा किया है, फैसलाबाद में देखने सुनने को बहुत कम मिलती है जिसका कोई इल्मी हवाला। वैसे मैं ये बात करूं तो शायद कम यकीन आए, इसलिए कि मेरी अपनी एक कोताही है या कोई और वजह है शायद कि मैं फैसलाबाद में शायद ही किसी तकरीर में जो यूनिवर्सिटी से बाहर हो नहीं जाता, उसकी पेश अज पेश वजूहत है, कुछ तो मेरी मसरूफियत है, तहम जाहिर है यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता रहता हूँ और वहाँ पे गुफ्तगू भी होती है, बातें भी होती हैं, सब कुछ है, लेकिन चीज़ें देखने सुनने में तो आती हैं। फैसलाबाद के अंदर ये रवायत कम है कि कुतुब की तकारी रूनमाई तकारी जो भी बहुत कम है। कितने को लोग हैं जहाँ पे जो इस तरह का इल्मी काम, तो इल्मी काम की भी नौयत जब तहकीकी हो तो नायाबी का एहसास और ज्यादा बढ़ जाता है। मैं ये समझता हूं कि अगर हमारे नए लिखने वाले इस कमी को पूरा कर रहे हैं तो वो एक खला को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। साहिबा बहुत ही कमल, मेरी बहुत जैसे मैंने आपसे गुजारिश की अजीज तालिबा बहुत मेहनती है, फिक्री तौर पे उनकी जस्टिस जेन की मालिका है और इस जोर इनके सारी प्रोतरीन बहुत इज्जत देने वाली है, बहुत एहतराम करने वाली है। कहती है कि मैं इस काबिल नहीं थी, यकीनन इस काबिल थी हैं और जितना आप अपने आप को काबिल समझती हैं उससे कहीं बढ़ के है। वक्त इंसान के अंदर के टैलेंट को, उसके अंदर के जोहर को खोल और खोलता चला जाता है। जरूरत सिर्फ इस समझ की होती है कि हम अपने जोहर उनकी तरफ जो करें, उन्हें हम बाहर लाने के लिए जिद्दोजहद करें। होता है हम रूटीन में बढ़ते चले जाते हैं, आगे चलते जाते हैं, हम जो दर्शक आते हैं दर्शक वो होते नहीं और जो होते हैं वो नजर नहीं आते।
किताब या ये किताबें या ये मेरी गुफ्तगू ये सिर्फ उस वक्त सामने आती है जब इसको हम सामने लेके आना चाहते हैं, उससे पहले हम छुपे हुए होते हैं। शख्सियत का सिर्फ जाहरी और बाहरी रुख लोगों के सामने होता है। खूबसूरत पहलू जो असल शख्सियत है जिसे हम अपनी मर्जी के साथ लोगों के साथ शेयर करते हैं और जितनी हमारी ख्वाहिश होती है उतना शेयर करते हैं, वो वही है जिसे हम शख्सियत का जो कभी किसी तकरीर की सूरत में सामने आता है और कभी किसी तहरीर की सूरत में सामने आता है। तो मैं ये समझता हूं कि कंवल ने अपनी बातनी शख्सियत जो असल शख्सियत उसको हमारे सामने रखा और मैं माफी चाहता हूं अपने दोस्तों से जो इस ख्याल का इजहार किया कि इसमें तजाद है, तजाद नहीं है। जो 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 मिसाल है वो इंतहाई संजीदगी से बरामद होता है। शख्सियत के अंदर सिर्फ संजीदगी ही नहीं होती, चुटपलापन भी होता है जो हम शायद कुछ सामाजिक तकाजों के तहत छुपा के रखते हैं या उसको बयान नहीं करना चाहते, लेकिन फिर ऐसे मौके हम ढूंढ लेते हैं या हमें दस्तियाब हो जाते हैं कि उसका जिम्मी इजहार कर पाए और वो हम इजहार करते हैं। कमल मेरे ख्याल है मेरे साथ इनका पहला तारुफ एमफिल करते हुए ही हुआ। हम आम तहकीकी मौजू बच्चियों को वो नहीं देते कि जिसमें दौड़ धूप करनी पड़े, जाना आना पड़े और एक शहर से दूसरे शहर में भी जाना पड़े और लोगों से मिलना पड़े, फिर दफातर के चक्कर काटने पड़े, फिर लोगों से रैकेट पर तलब करना पड़े और फिर 100 बहाने होते हैं, 100 हीले होते हैं, 100 मसाइल होते हैं। तो इसलिए हम आमतौर पर बच्चियों को ऐसे मौजूद नहीं होती है कि ऐसे मौजूद नहीं जाए मेज कुर्सी पे बैठ के घर में करना। मैंने भी कमल से पूछा था बेटे ये मौजू ऐसा है जिसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लाहौर जाना पड़ेगा, वहाँ पीटीपी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वहाँ चक्कर काटने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, एक से ज्यादा मतलब फिर लोगों के रवैये जो है उनको करना पड़ता है। ये सारे मसाइल मौके को इन चीजों का सामना तो करना पड़ता है। तो और मौजू नया है और मौजू जो है इसके जो नतीजे सामने आएंगे उसे बहुत लोगों को फायदा होगा और बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी कि हम किधर खड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनकी करिश्ती, इस बेटी की करिश्ती, बच्ची की करिश्ती, इन्होंने कहा कि नहीं ये मौजू अच्छा है, मैं इसको टेकअप करती हूं। ठीक है, तो इन्होंने तस्दीक करा तो मेरे साथ ये कैसा मुझे इन्होंने ऑन बोर्ड रखा, मुझे बता की नहीं कि आज ये हो गया, ये काम कर लिया, ये रिकॉर्ड मिल गया, हम इतना आगे बढ़ गए हैं। ये तो मैं ही समझता हूँ, मैं आज ये बात आप सब आपके साथ इन्होंने काम किया और ये जो हम महाभारत में कहते हैं 20 मरतबा यकीन इन्होंने 40 मरतबा और वहां से सारा रिकॉर्ड लिया, कोई आसान काम नहीं था। और जब तो मैंने इसे कहा बेटे देखो आपने अभी वुजू किया नमाज बाकी, तो समझ गई थी कि वुजू क्या कह रहे हैं। तो वुजू जो है वो करना ही मुश्किल होता है, उससे पहले आपको
नियत करना पड़ती है, इरादा करना पड़ता है, और फिर सर्दियों के मौसम में तो वजू आप समझ रही है कितना मुश्किल। नमाज तो आगे दो रकात है, एम फिल समझिए आपने वजू कर लिया, अब आपने पीएचडी करनी है और पीएचडी से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। आज के दौर के अंदर हम बाजारी अदब के अंदर बैठे हुए तलीम के अदारी के अंदर बैठे हुए, मुझे मालूम है कि अब एजुकेशन एनीथिंग लेस देन पीएचडी इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई डिसिप्लिन लीजिए, आप सोशल साइंसेस का डिसिप्लिन लीजिए, आप साइंसेस में आप चले जाइए, आप इधर कॉमर्स में चले जाइए, आप इधर कंप्यूटर में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, एनीथिंग लेस देन पीएचडी इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अभी मैं इस बच्ची से यही कहता हूं, मुझे आप पीएचडी की तरफ जाइए और पीएचडी करें, क्योंकि दो रिकॉर्ड की बात की देखिए अलामा इकबाल की ये बड़ी खुशकिस्मती है, मैं समझता हूँ खुशकिस्मत लोगों में कि जिन्हें ना सिर्फ उनकी जिंदगी में बहुत सराहा गया, खराज तहसीन पेश किया गया, हम सब भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत, बहुत अकीदत है उनके साथ, उनके नाम के साथ सब कुछ। मगर इसके साथ एक दूसरा पहलू, ये मोहब्बत सिर्फ खाली खोली मोहब्बत है। इकबाल का नाम आता है रहमतुल्लाह अलैह, कहे बगैर नहीं रहते, खैर कहना चाहिए, सारा कुछ ठीक है, मगर सवाल ये है कि क्या इकबाल के मुतल्लिक उनकी फिक्र से मुतल्लिक उनके पैगाम से मुतल्लिक भी हमें कुछ पता है, तो क्या क्या कहना, क्या उसकी भी हमें कुछ खबर है? अगर नहीं है और उसके ऊपर हम अमल नहीं करते तो फिर तो ये ऐसे ही है जैसे हमें कहे अब्बा जी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, गल थोड़ी कोई नहीं, अब्बा जी से मोहब्बत बड़ी है, अब्बा जी मैं थोड़ी बहुत बहुत आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप क्या मुझसे चाहते हैं ये मैं नहीं हूं, और जो चाहते थे मैं पूरा नहीं करके मुझसे जाके किसी नुमाइंदे ने पूछा ये क्या वजह है, मतलब हम पसमानगी की तरफ पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तनजर की तरफ जा रहे हैं, ये बात तो किसी नवंबर नवंबर इसी से की बात है। तो मैंने कहा कि ये कितनी अफसोस की बात है कि इस कौम को इतना बड़ा मुफक्कर जो उठाता है, जो आपको हमाता है, जो आपके अंदर जिंदगी पैदा करने वाला है, जो आपको हर तो हरार की तरफ लेके जाने वाला है, जो आपको एक मंजिल से दूसरी मंजिल की तरफ माहे सबर होने की तलकीन करने वाला, जो नजर करो और गिरत करनी दौरे खूब हुए तब का समा दिले मन पे खूब कर निगारे, जो ये कहते हैं कि कोई मंजिल आखिरी मंजिल नहीं है, इश्क इम्तहान और भी है, आपने आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ना है, आगे जाना है, हरकत अमल जिदो जो कोशिश कोशिश कोशिशें ना तमाम, ये सारी बातें, और हम फिर एक ऐसी कौम है जो इन सारी बातों से कहीं है कहीं दामन है, और लोगों की जो निशाना है लोगों, क्यों हमें दुनिया जो है वो हमें क्यों मार रही है, अफगानिस्तान में मार रही है, इराक में मार रही है, लेबनान में मार रही है, शाम में मार रही है, पैलेस्टीन में मार रही है, कश्मीर में मार रही है, इधर मार रही है, हिंदुस्तान में मार रही है, किस वजह से? सबसे बड़ी ताकत इल्म है और सबसे बड़ी कोताही इल्म से फरार, सबसे बड़ी ताकत दुनिया के अंदर पहला सबक जो हमें दिया गया था, मुझे दिया गया था, आपको दिया गया था जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थ्रू, वो ये दी गई
पढ़ी, पहली मासिक इकरा पढ़ी, इकरा और कैसे पढ़ना है, भी इसमी रब्बी उस रब के नाम के साथ रेफरेंस उसका रख के पढ़ना है। हर शय के ऊपर चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आर्कियोलॉजी हो, कोई भी आलोच ऊपर रेफरेंस अल्लाह का रखना और पढ़िए, बेशुमार पढ़िए। आज जो कौमें हमारे ऊपर भराजमान हुई, थानेदार बनी हुई है, क्यों थानेदार बनी हुई है, इसलिए नहीं कि उनके पास बॉम्ब हमसे ज्यादा हो भी तो हमें उसकी परवाह नहीं है, सिर्फ इस वजह से वो आगे निकली है कि वो तालीम में तहकीक में आगे बढ़ी। अलामा ने गिला किया था कि सरदार शेख से खोया गया, किस तरह तेरा जौक, किस तरह तहकीक होते नहीं, क्यों तुझे स्वीकार क्यों नहीं बेरुनी की औलाद है, काहिस की औलाद है, तो इब्न हैशम की औलाद है, वो भी तो थे, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबाद की, जो देखे उनको जोर में तो दिल होता है